हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज बीजेपी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, और यहाँ पे जो है आज चुनाव आयोग का ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, तो आज सारे यहाँ पे हवन भी हुआ है और सारे कुछ हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय महावर जी, दिल्ली के गोवा के प्रभारी जी मानसूरी सम्राज जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर चुनाव में जा चुके हैं और हमारे सातों प्रत्याशी लगभग एक दौरा अपना पूरा कर भी चुके हैं। तो पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ देखना चाहता है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे दिल्ली के सातों प्रत्याशी पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं कि वो भी उस संकल्प की आवृत्ति में डाले और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर हम दिल्ली की सातों सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को किसी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। आज हमने औपचारिक रूप से अपने इस कार्यालय में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। हर कार्यकर्ता को अपनी भूमिका का ज्ञान है, हर कार्यकर्ता को पता है कि उसको बूथ पर क्या काम करना है, हर कार्यकर्ता को इस बात का इल्म है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदाता कमल का बटन दबाए, इस अंतर्गत हमें कैसे काम करना है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी हमारे लोकसभा चुनाव प्रभारी है, जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा में भी सरकार बनी है और दिल्ली की सातों सीटें जीतने के बाद हम दिल्ली विजय की ओर प्रस्थान कर ही रहे हैं। मैंने होली के अवसर पर भी कहा था कि दिल्ली में भी बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार प्रारंभ हो गया और दिल्ली उस दिशा में जा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, आप में से तो एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनेगा जब हम दिल्ली की सातों सीटें जीतेंगे। आज माननीय धनखड़ जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः अपने सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। कैसी हो माजी? कैसे बारह बजे हमारे चुनावी प्रभारी आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। हमारे जी सब अपना मंच पर स्थान ले। प्रभारी राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगी वो भी तैयार रहे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए गजेंद्र यादव जी, मैं अजय महावर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी का स्वागत अभिनंदन करें। योगेंद्र चंदोली अनुरोध कर रही हूँ मेरी बहन दिशा पांडे जी को, राजीव जी से अनुरोध करूंगी कि वो हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत कर दें। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी के स्वागत के लिए विनय रावत जी,
से कोई घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां हमारे लोकसभा प्रत्याशी के स्टिकर ना पहुंचे, कोई घर ऐसा नहीं रुकना चाहिए कि जहां हमारा कार्यकर्ता ये संपर्क ना करे कि आइए इस 2024 के चुनाव में कमर का बटन दबाएं और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। इस संकल्प आप सभी इतने अनुभवी कार्यकर्ता हैं कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन चूंकि आपके चुनाव में बहुत लंबा समय है तो हमें धीरे धीरे हर उस वर्ग से, हर उस समाज से, हर उस व्यक्ति से, मैं जाति विभेद की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे समाज में सिर्फ चार ही जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, और उनके लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है न भूत न भविष्य, उनको मुख्य धारा में लाने का काम, विकसित भारत से उन्हें जोड़ने का काम, तो ये सभी कामों को जनता के बीच में लेकर जाना और हर उस व्यक्ति से संपर्क करना। आज आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत से लोग हैं जो मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं।